नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक हमको पढ़ना है वो पढ़ना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस लेसन के अंदर, दैट इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जैसे कि हमको पता है कि इनहेरिटेंस के लिए या कैरेक्टर ट्रांसमिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल कौन सा होता है? डीएनए। अब डीएनए का एक जनरल स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं पहले, फिर हम बढ़ेंगे रेप्लिकेशन की तरफ। तो अगर डीएनए का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, हमने पढ़ा है, और वो दोनों स्ट्रैंड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, और दोनों स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब एक स्ट्रैंड अगर 5' to 3' रन कर रहा है तो दूसरा 3' to 5' रन करता है। यहाँ पे भी देखो, एक 5' से 3' जा रहा है स्ट्रैंड, दूसरा 3' से 5', मतलब एंटी पैरेलल, अपोजिट होते एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एडेनिन बेस पेयर हमेशा थाइमिन के साथ बेस पेयर करता है, ठीक है। एडेनिन जो है वो नाइट्रोजनस बेस हमेशा थाइमिन के साथ ही पेयर अप करता है डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है। तो ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी एडेनिन है तो थाइमिन ही आएगा अपोजिट में, और ग्वानिन है तो साइटोसिन ही आएगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन आएगा, और थाइमिन है तो एडेनिन आएगा। तो इस तरीके से डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री उसमें बेस पेयरिंग होती है। एक डीएनए का स्ट्रैंड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, और ये न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बना होता है, पेंटो शुगर जो कि 5 carbon का एक शुगर होता है इसमें, नाइट्रोजनस बेस जो कि 4 type के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अलग से एक होता है यूरैसिल, थायमिन एब्सेंट होता है। अब उसके बाद पेंटो शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों को अगर मिला दो तो न्यूक्लियोसाइड होता है, हमने पढ़ा है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। बट इसमें अगर फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर देते हैं तो ये बनता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये तीन चीजें मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो एक डीएनए बनता है। तो देखो, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें ये सेंटर में पेंटो शुगर है, इसमें यहाँ पे 4th के बाद ये जो 5th carbon है, 5th carbon पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और 1st carbon पे नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो तीनों को मिला दे, नाइट्रोजन ग्रुप, पेंटो शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, तो ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ऐसा और एक न्यूक्लियोटाइड हम जब इसके साथ ऐड कर रहे हैं तो ये दो न्यूक्लियोटाइड का जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज डीएनए का एक स्ट्रैंड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं, और दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3rd carbon, एक पेंटो शुगर का 3rd carbon दूसरे पेंटो शुगर के फॉस्फरस ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जो कि 5th carbon पे, ठीक है। तो ऐसे में ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है ये डाईस्टर बॉन्ड होता है, और ये फॉस्फेट की वजह से फॉर्म होता है, इसी वजह से इसको फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ये फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड की वजह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और फाइनली एक डीएनए का लॉन्ग स्ट्रैंड बनता है। ऐसे दो स्ट्रैंड को अगर हम जब मिला देते हैं तो वो बनता है डीएनए, ठीक है। अब इसी डीएनए का हम रेप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। मतलब जब भी डीएनए सेल जब भी हमारा बॉडी का कोई भी सेल डिवीजन शो करता है, मतलब हमें पता है एक सेल के दो सेल होते हैं हमारे बॉडी में, ग्रोथ ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनिमल में, ठीक है। दूसरा है रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ के टाइम जब हम छोटे से होते हैं उससे लेके हमारी हाइट बढ़ती है, बोन्स डेंसिटी बढ़ती है, हमारा पूरा ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ता है। ये किस चीज की वजह से होता है? सेल डिविजन। एक सेल के दो होते हैं, 2 के 4 होते हैं, 4 के 8, और सेल डिविजन के फॉर्म में हमारा बॉडी जो है वो इंक्रीज होते जाता है साइज। तो सेल डिवीजन जब हो रहा है तो सारे के सारे सेल में इक्वल जेनेटिक मटेरियल होता है, इक्वल डीएनए होता है, किसी में भी डीएनए कम या ज्यादा नहीं होता। तो ऐसा में अगर इक्वल डीएनए ट्रांसमिट करना है अगले डॉटर सेल को, मतलब एक सेल अगर हम मान लेते हैं, एक सेल से जब दो सेल बनते हैं तो इस सेल का जो डीएनए है वो दोनों सेल में इक्वल जाता है। अब इक्वल जाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? इसकी हम एक कॉपी बनाते हैं, पहले एक सेल में कॉपी बनती है उसकी, एक ओरिजिनल कॉपी इधर जाती है और दूसरी कॉपी उधर जाती है दूसरे सेल में, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं सेल डिवीजन के कारण डीएनए जो है वो ट्रांसमिट होता है अगले जनरेशन में इक्वली, वैसे का वैसा। तो इसी डीएनए के, इसीलिए हमें पहले तो क्या करना है, डीएनए की कॉपी बनाना जरूरी है सेल में। तो सेल क्या करता है, जब भी सेल को डिवाइड होना होता है उसके पहले वो अपनी कॉपी बनाता है। तो सेल साइकिल हमने पढ़ी है माइटोसिस मियोसिस के कंडीशन में, सेल डिवीजन में, कि सेल साइकिल जो है वो 3-4 phases में डिवाइड होती है, या बेसिकली 2 phases में डिवाइड होती है। एक होता है एम फेज, दूसरा होता है इंटरफेज। एम फेज वो फेज है जहां पे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होता है। बट सेल डिवाइड होने से पहले अगर हम देख लेते हैं
तो सेल डिवाइड होने से पहले की कंडीशन क्या होती है कि सेल जब डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होने से पहले वो अपने डीएनए की क्या बनाता है, कॉपी बनाता है। सेल अपने डीएनए की क्या बनाता है, कॉपी। ये सेल है, ये आगे जाके डिवाइड होने वाला है, एक सेल के दो सेल होने वाले, तो वो अपने डीएनए की कॉपी बना लेता है, उसी को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और ये मेनली इंटरफेज में बनाता है, क्योंकि एम फेज में तो सेल डिवाइड हो रहा है तो उस टाइम पे तो उसके पास ऑलरेडी दो कॉपीज चाहिए डीएनए की, ठीक है। तो ये इंटरफेज में कॉपी बनाता है। इंटरफेज में स्पेशली कौन से फेज में बनाता है, एस फेज में। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसी वजह से इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं, दैट इज एस फेज, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं डीएनए का ये जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। सेमी कंजर्वेटिव टाइप का मतलब होता है जब एक पैरेंट डीएनए से दो डॉटर डीएनए फॉर्म होते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक डीएनए ओरिजिनल वैसे का वैसा होता है और दूसरा अलग से एक डॉटर कॉपी बनता है पूरा पूरा। तो होता क्या, एक्चुअली ये दो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, ठीक है। ये दो स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होते हैं और हर एक स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। टेम्पलेट यानी उसके ऊपर नया डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है नया। तो ये जो हम ब्लू कलर में देख रहे हैं ये पैरेंट स्ट्रैंड है, इनके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, एक स्ट्रैंड यहां पे है दूसरा यहां पे। इसके ऊपर ये देखो रेड कलर का जो नया स्ट्रैंड वो अभी अभी न्यूली सिंथेसाइज हुआ है। तो मतलब जो दो डॉटर डीएनए बनते हैं उसमें 50% डीएनए, 50% डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो पैरेंट का होता है और 50% एक डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड होता है, ठीक है। वैसे ही दूसरा भी हम डॉटर देख रहे हैं डीएनए, जिसमें एक स्ट्रैंड पैरेंट डीएनए का है और दूसरा उस पर नया फॉर्म हुआ है, दैट इज द न्यू स्ट्रैंड। तो ऐसे में हम देखते हैं डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक स्ट्रैंड पैरेंट का होता है, यानी 50% पैरेंट डीएनए होता है और 50% न्यूली फॉर्म्ड डीएनए होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डीएनए के दो फंक्शंस होते हैं, हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन और दूसरा है ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब डीएनए खुद से मतलब खुद की मदद से, हमें पता है डीएनए हमारे बॉडी का ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी के सारे कैरेक्टर शो करने में, एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो डीएनए क्या करता है, हमारे बॉडी में आरएनए फॉर्मेशन को लीड करता है, डीएनए से आरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और उसी आरएनए से आगे जाके प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन हमारे बॉडी में कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो डीएनए जब आरएनए और प्रोटीन का सिक्रीशन करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ आरएनए एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। तो डीएनए जब आरएनए और प्रोटीन का सिक्रीशन करेगा तो ऐसे फंक्शन को हम डीएनए के क्या बोलेंगे, हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए कैटालाइज कर रहा है द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। वहीं पे ऑटो कैटालिटिक, ऑटो का मतलब है सेल्फ। डीएनए जब खुद ही को सिक्रीट करता है, मतलब डीएनए अपनी ही एक कॉपी बनाता है जिसको हम रेप्लिकेशन बोल रहे हैं, डीएनए मेक इट्स ओन कॉपी, डीएनए मेक इट्स ओन रेप्लिका, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। और ऐसे में इस फंक्शन को डीएनए के क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिटिक फंक्शन, जिसमें डीएनए अपनी खुद की एक दूसरी कॉपी सिंथेसाइज करता है जो आगे जाके सेल डिवीजन में उसके दोनों डॉटर सेल में एंटर करती है, ठीक है। एम फेज के बाद देखो यहाँ पे ये जो सेल है इसके दो सेल फॉर्म हो रहे हैं और वो एक कॉपी एक सेल में जा रही है, दूसरी दूसरे सेल में जा रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कभी भी हमारे बॉडी में डीएनए का कंटेंट कम या ज्यादा नहीं होता, सारे सेल में इक्वल डीएनए होता है। जैसे कि आपने सीआईडी वगैरह देखा होगा जिसमें वो ब्लड सैंपल लेते हैं, फिर डीएनए मैच करते हैं, किसी भी पर्सन का मैच हो जाता है, ठीक है, तो वो समझते हैं कि क्रिमिनल वही है। तो ये डीएनए जो है हमारे हर बॉडी पार्ट में सेम होता है। तो अगर हम कोई एक बाल का टुकड़ा भी अगर क्राइम सीन पे गिर जाता है और वो डीएनए वो लोग आइसोलेट करके स्टडी करते हैं और उसको फिर हमारे खून के डीएनए के साथ मैच करते हैं, ठीक है, जो भी सस्पेक्ट होता है तो वो मैच कर जाता है। और मैच करने से, क्योंकि हमारा डीएनए हर पार्ट में इक्वल होता है, उतना ही होता है, वैसा ही होता है, तो इसीलिए डीएनए जो है वो अपनी कॉपी बनाता है हर जगह और हर बॉडी में, हमारे हर सेल में, हर पार्ट में हमारा डीएनए अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस के बारे में, आइए देखते। तो दोस्तों आइए देखते हैं अभी एक्चुअल फिनोमिना ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बोला, हम पढ़ रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जिसमें डीएनए जो है वो ऐसे रेप्लिकेट होता है कि पैरेंटल डीएनए का 50% डीएनए प्रेजेंट होता है डॉटर में और 50% नया डीएनए होता है। वैसे ही दूसरा भी डॉटर डीएनए में 50% पैरेंटल डीएनए होता है, 50% नया डीएनए होता है। मतलब एक डीएनए से जो दो नए डीएनए फॉर्म होंगे उसमें 50% पैरेंट डीएनए होगा और 50% न्यूली फॉर्म डीएनए होगा। तो
अभी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये जो कंसेप्ट था ये देने वाले साइंटिस्ट थे मिजेलसन एंड स्टाहल। इसके बाद हम अगले लेक्चर में उन्हीं का जो एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने पता लगाया कि रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का है। अब पहले हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिकेशन में सबसे पहली प्रोसेस हम देखते हैं इसका डेफिनेशन जो है वो क्या है, दैट इज मेकिंग ऑफ डीएनए'स ओन कॉपी। डीएनए मेक्स इट्स ओन कॉपी और डीएनए मेक इट्स ओन रेप्लिका इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। दिस प्रोसेस ऑकर्स इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ये हमने देखा। इसके बाद इसमें सबसे पहली स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखो डीएनए को बनाना है तो कुछ रॉ मटेरियल लगेगा और डीएनए किससे बनता है हमने अभी पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड्स से। तो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने से एक नया डीएनए बनेगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो एक नया डीएनए बनेगा, ठीक है। उसके लिए न्यूक्लियोटाइड जो है वो पहले अनचार्ज फॉर्म में होते हैं, या बेसिकली हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड जो है वो पहले इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये जो है एक सिंथेसिस प्रोसेस है और सिंथेसिस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हम इन न्यूक्लियोटाइड्स में अगर एटीपी ऐड कर देते हैं, एटीपी ऐड हो जाता है तो इसको ये एनर्जी रिच हो जाते हैं और इसके वजह से ये इजीली ऐड हो सकते हैं, इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं डीएनए को। तो ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज डीएएमपी। डी का मतलब है डीऑक्सी, हमें पता है डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसमें ये डीऑक्सी एएमपी है, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। इनमें जब एटीपी ऐड करते हैं और एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम होता है फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज, सो विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फॉस्फोराइलेज इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डीएटीपी। डीएएमपी किसमें कन्वर्ट हो गया, डीएटीपी, वैसे ही डीडीएमपी कन्वर्ट हो गया डीडीटीपी में, और डीजीएमपी कन्वर्ट हो गया डीजीटीपी में, और डीसीएमपी कन्वर्ट हो गया डीसीटीपी में, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ट्राइफॉस्फेट में सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट एक्सेट्रा। अब ऐसे में ये जो है ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और उसमें वो प्रेजेंट है, मतलब अब ये डीएनए बनाने के लिए रेडी है। बट इसके अलावा भी हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कि पैरेंट डीएनए चाहिए और कुछ एंजाइम्स चाहिए, जिसकी हम टाइम टू टाइम बात करेंगे आगे। तो बात करते हैं सबसे पहला इसमें प्रोसेस एक्टिवेशन के बाद, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। पॉइंट ऑफ ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। अब दो टाइप के सेल होते हैं बॉडी, मतलब दो टाइप के सेल है वर्ल्ड में, दैट इज पहला तो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल और दूसरा यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। इन दोनों का डीएनए भी स्लाइटली डिफर करता है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो सर्क्यूलर होता है, स्मॉल होता है और इसमें एक ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, मतलब डीएनए स्टार्ट होगा सिर्फ एक पॉइंट से। डीएनए का रेप्लिकेशन जो है, अगर डीएनए को अपनी कॉपी बनानी है तो वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही पॉइंट है, उसी पॉइंट से वो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता है। इस पॉइंट को हम ओराइसी बोलते हैं, ओराइसी यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा हम यूकैरियोटिक डीएनए की बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक डीएनए जो है वो बहुत लॉन्ग डीएनए होता है, ठीक है, और बहुत लॉन्ग होने के कारण उसमें बहुत ज्यादा इनिशिएशन पॉइंट होते हैं, बहुत ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, तो कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। और मतलब यूकैरियोटिक डीएनए कंटेन्स मोर नंबर ऑफ ओराइसी, मोर नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये ओरिजिन पॉइंट है, इनिशिएशन पॉइंट है, जहां पे रेप्लिकेशन टर्मिनेट होता है उसको पॉइंट टी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां से बाई डायरेक्शनल इधर से भी रेप्लिकेशन होगा, इधर से भी होगा, और ये रेप्लिकेशन इधर यहां पे आके और इधर यहां पे आके यहां पे खत्म हो जाएगा, तो दिस इज पॉइंट टी, टर्मिनेटिंग पॉइंट। अब उसके बाद हम बात करते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अब डीएनए का एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो हमें मिल गया, यहां से हमें डीएनए को रेप्लिकेट करना, तो ये होगा क्या, जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है उस जगह पे एक एंजाइम आके बाइंड हो जाएगी। इस एंजाइम को बोला जाता है हेलिकेज, क्या बोला जाता है, हेलिकेज, जो कि डीएनए को खोलता है। डीएनए के जो बॉन्ड्स है, नाइट्रोजनस बेस पेयर के बॉन्ड्स है, वो ब्रेक करता है एडेनिन थायमिन साइटोसिन के। तो ये बॉन्ड यहां पे जो है
इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा, जस्ट लाइक हमारी जिप जो होती है, ठीक है, जिप यानी चेन। तो जैसे कि हम चेन को जैसे जैसे नीचे लेके जाते हैं, चेन के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते जाते हैं, ठीक है। तो कुछ उसी तरीके से हेलिकेज जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेगा, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगा, सेपरेट करेगा, खुलेगा ये स्ट्रैंड। अब ये हेलिकेज जो है वो अनवाइंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम देखते हैं ये जो दो स्ट्रैंड अलग हुए अभी भी इनकी टेंडेंसी है कि अगर वो गलती से पास में आ गए तो वो रिजॉइन हो सकते हैं, रिजॉइन हो जाएंगे। तो उसकी रिजॉइनिंग को प्रिवेंट करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका फुल फॉर्म आपको बुक में मिल जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द रिजॉइनिंग ऑफ बोथ द स्ट्रैंड, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड की रिजॉइनिंग को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। दूसरा एक और एंजाइम, क्योंकि अब ये डीएनए खुल रहा है तो ये जो इधर का डीएनए है वो हाईली सुपर कॉइल हो रहा है। अगर आप एक हेडफोन लो, हेडफोन आपका अगर देखो कि आप वो वायर में वायर अगर लपेटा होता है, या हमारे घर में वायर होता है जो ऐसे ऐसे जिसकी ये होती है बनावट, तो उस वायर के वायर को खोल के उसमें उंगली डाल के जब आप नीचे के तरफ वो खोलते जाते हो वायर को दोनों, तो नीचे जो है वो स्ट्रेस बढ़ते जाते हैं, इधर से स्ट्रेस बढ़ता है, उधर का वायर और ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होने लगता है और वो अपने आप में घुस जाता है एक टाइम में। उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। क्या बोलते हैं, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो डीएनए में भी जब ये हेलिकेज इधर इधर जाता है तो इधर स्ट्रेस क्रिएट होता है और उसके वजह से नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्रिएट होती है। तो ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को अवॉइड करने के लिए एक एंजाइम हम यूज करते हैं, टोपो आइसोमरेज, जो डीएनए का एक स्ट्रैंड कट करता है, उसको ओपन करता है और फिर ज्वाइन कर देता है। मतलब ये जो स्ट्रेस इधर क्रिएट होता है वो स्ट्रेस को कम कर देता है। आप घर पे वायर लेके देखना जो कि जिसकी बनावट कुछ ऐसे डीएनए के जैसे होती है, उन वायर के दो टुकड़े अलग करके उसमें से बीच में से उंगली फंसा के ऐसा नीचे नीचे जब खोलोगे वायर के दोनों स्ट्रैंड को, तो नीचे बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है वायर पे। तो वो स्ट्रेस को हटाने के लिए हमको किसी एक वायर को तोड़ के उसको ओपन करके फिर जोड़ना पड़ता है, तब वो स्ट्रेस कम होता है। तो यही काम यहाँ पे टोपो आइसोमरेज करता है, जिसको गायरेज भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे दो टोपो आइसोमरेज होते हैं, टोपो आइसोमरेज 1 और 2, जो कि बेसिकली यूकैरियोट्स में ज्यादातर टोपो आइसोमरेज 1 होता है यूज और प्रोकैरियोट में 2 यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज रेप्लिकेशन फॉर्क। अगर टोपो आइसोमरेज के बारे में एक और आपको बताऊं खासियत, तो 1 जो है वो एक ही स्ट्रैंड को कट करता है डीएनए के, और 2 जो है वो दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। तो एक बेसिक फिनोमेना है। अब इसके बाद आता है रेप्लिकेशन फॉर्क। तो जैसे कि देख रहे हैं, जैसे कि हम हेलिकेज से ओपन हो जाता है डीएनए, तो ये एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखता है, इट इज लुकिंग लाइक अ फॉर्क, ठीक है। और इस फॉर्क के बीच में रेप्लिकेशन होने वाला है, मतलब इस फॉर्क के बीच में ये दोनों स्ट्रैंड पे एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, इस डीएनए पे एक नया डीएनए बनेगा या ऐसा, और दूसरे डीएनए पे दूसरा नया बनेगा। ऐसे दो के एक डीएनए के कितने डीएनए हो जाएंगे, 2 डीएनए हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज रेप्लिकेशन फॉर्क। हमने देख लिया दिस इज द फॉर्क वेयर द एक्चुअल रेप्लिकेशन इज गोइंग टू हैपन और टेक्स प्लेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। यहाँ पे ध्यान देने जैसी चीज है, अब जो नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होने वाला है वो एक एंजाइम के मदद से होने वाला है, और इस एंजाइम को बोला जाता है पहले तो प्राइमेज एक एंजाइम यूज होती है, और फिर डीएनए पॉलीमरेज 3। तो अब यहाँ पे समझते हैं, देखो जैसे कि हमने बोला यहाँ पे दो स्ट्रैंड है डीएनए के, एक 5' से 3' तक रन कर रहा है और दूसरा 3' से 5' पर रन कर रहा है। तो एक कंसेप्ट है, एक लॉज, एक बोल सकते हैं एक बेसिक कंसेप्ट है कि हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो 5' से 3' के डायरेक्शन को, कौन से 5' से 3, मतलब नए न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3' पे ही ऐड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3' जो है 3' के अपोजिट हम एक प्राइमर ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर, ठीक है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हम 3' पे हम एक आरएनए प्राइमर ऐड करते हैं। अब डीएनए क्यों नहीं ऐड होता यहाँ पे, आरएनए का ही एक छोटा सा स्ट्रैंड हमें लगता है यहाँ पे, डीएनए नहीं लगता, क्योंकि आरएनए जो है वो इजीली बाइंड हो जाता है डीएनए के साथ। डीएनए को डीएनए से स्टार्टिंग में बाइंड करना यानी एकदम शुरुआत में उसके न्यूक्लियोटाइड बाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे आरएनए को बाइंड किया जाता है, और आरएनए का बहुत छोटा सा स्ट्रैंड बहुत इजीली फिक्स्ड हो जाता है डीएनए पे। तो इसका एक डायरेक्शन 5' है, जैसे कि हमने देखा है डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अगर ये 3' है तो ये 5' होगा, और इसका जो दूसरा एंड होता है वो 3' होता है।
अब थ्री प्राइम एंड की खासियत ये होती है कि इसमें फ्री ओएच ग्रुप होता है, ठीक है, मतलब फ्री ओएच ग्रुप पे नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकता है। तो इस प्राइमर के बाद नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकते हैं। और ये प्राइमर ऐड करने के लिए जो एंजाइम लगता है उसको बोलते हैं प्राइमेज। तो पहले तो प्राइमेज जो है वो प्राइमर ऐड करता है और फिर उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज थ्री, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड के एडिशन में हेल्प करते हैं। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि डीएनए के दो स्ट्रैंड, ऊपर वाले स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड लिखा है मैंने और नीचे वाले स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड लिखा है। इसी को कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं और इसको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5-3 प्राइम के अपोजिट आरएनए प्राइमर हमने बड़ा इजीली ऐड कर दिया, यहाँ पे 3 प्राइम ओएच ग्रुप ऐड हो गया, 3 प्राइम ओएच ग्रुप है प्रेजेंट। हर न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, और पांचवें न्यूक्लियोटाइड में भी ये वाला 5 प्राइम है और एंड पॉइंट 3 प्राइम, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये हम एक न्यूक्लियोटाइड कंसिडर कर रहे हैं तो ये 5 प्राइम है और न्यूक्लियोटाइड का एंड 3 प्राइम, मतलब अगेन ओएच ग्रुप है 3 प्राइम पे। तो जब ये फिर से खुलेगा आगे और तो और 3 प्राइम पे हम नए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या, ये जो स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है। ये स्ट्रैंड कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, कंटिन्यूअसली। बट वहीं पे अगर हम ऑन द अदर हैंड दूसरे स्ट्रैंड की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा स्ट्रैंड का ये जो एंड है इसको 5 प्राइम बोला है और 5 प्राइम के अपोजिट 3 प्राइम है। तो 3 से 5 तो हम ऐड नहीं कर सकते, हमने बोला कंसेप्ट क्या है 5 से 3 होता है हमेशा। क्या कंसेप्ट है 5 से 3, कभी भी रेप्लिकेशन का जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 यहाँ पे ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, तो 3 प्राइम के अपोजिट इधर प्राइमर लगाते हैं। तो यहाँ एक प्राइमर ऐड किया, ठीक है, प्राइमर का ये एंड ये 3 प्राइम है तो अपोजिट क्या हुआ 5 प्राइम, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 5 प्राइम है तो इसका एंड क्या हुआ 3 प्राइम, 3 प्राइम है तो यहाँ पे OH ग्रुप होगा, ठीक है। और OH ग्रुप के एंड में हम एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, चौथा ऐड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैंड हमारा कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है। और दूसरा स्ट्रैंड को अगर हम देखें, यहां तक हमने बना दिया था, देखो ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये हमारा यहां से यही तक सिक्रीट हुआ। अब इसके आगे जब हम और हमने डीएनए को खोल दिया है, देखो इस केस में और ज्यादा डीएनए खुल गया है, तो अब यहाँ पे हम फिर से 3 प्राइम पे ओएच ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अगेन रिपीटेटिवली हम न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे 3 प्राइम पे एंड हो रहा है। बट इस केस में यहाँ पे अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पे फिर से 5 प्राइम है तो ये क्या हो गया 3 प्राइम, ठीक है, और ये 5, ये 3 प्राइम, ये भी 3 प्राइम, इधर तक 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 5 प्राइम है तो अगर फिर से हमको इधर जाना है तो हमें यहाँ 5 प्राइम से 3 प्राइम जा, मतलब यहाँ पे हमने 3 प्राइम लिखा है या हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमने 3 प्राइम लिखा है तो यहाँ पे 5 प्राइम आएगा तो हमें फिर से 5 प्राइम से 3 प्राइम इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से हमें 5 प्राइम पे ही ऐड करना पड़ेगा प्राइमर, इधर 5 प्राइम पे तो OH ग्रुप नहीं है ना, 5 प्राइम पे OH नहीं है तो हम इधर ऐड कर सकते हैं क्या न्यूक्लियोटाइड, नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से एक प्राइमर ऐड करेंगे जिसमें ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, तो 3 प्राइम पे फिर से OH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब हम फिर से न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड करेंगे और ये यहाँ तक ऐड होगा। तो ऐसे डीएनए जो है, देखो इस स्ट्रैंड पे, लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही प्राइमर लगा है, लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उस पे हमें एक बार प्राइमर लगा, फिर दूसरा, फिर हम इसको खोलेंगे तो और तीसरा प्राइमर लगेगा, फिर वो ऐसे जाएगा, फिर और खोलेंगे और चौथा प्राइमर लगेगा। तो ये प्राइमर लगते जाते हैं और डीएनए जो है वो फ्रेगमेंट्स में बनता है, एक डीएनए फ्रेगमेंट्स, दूसरा डीएनए फ्रेगमेंट, तीसरा, चौथा, ये फ्रेगमेंट्स में बनता है। तो ऐसे छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड पे होते हैं उसको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी, क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था मिस्टर ओकाजाकी, ठीक है। अब इसके बाद
अब एक्चुअली जब पूरा डीएनए बन के तैयार हो जाता है, मतलब पूरा डीएनए कंप्लीट हो गया, यहाँ पे एक पूरा कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन गया, एक डीएनए के दो डीएनए, एक डीएनए यहाँ पे कंप्लीट बन गया और ये डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड यहाँ पे भी ऐसे दो स्ट्रैंड यानी एक डीएनए बन गया, तो कंप्लीटली ये डीएनए बन गया। तो यहाँ पे तो ये डीएनए कंप्लीट है, इसमें एक छोटा सा प्राइमर ऐड है यहाँ पे, ठीक है, बट ये डीएनए देखो फ्रेगमेंट्स में बना है, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में बना है। तो ये फ्रेगमेंट्स में हमने देखा कि प्राइमर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये प्राइमर को निकालने का, प्राइमर को निकालने का और उसके जगह न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम होता है डीएनए पॉलीमरेज वन का। तो एक एंजाइम फिर से एंटर करती है और ये एंजाइम क्या करती है, डीएनए पॉलीमरेज वन यहां से सारे प्राइमर को निकालेगी और प्राइमर के जगह क्या ऐड करेगी, डीएनए को ऐड करेगी, डीएनए, और फिर ये डीएनए जो ऐड हो गए इनको जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज। तो लाइगेज क्या करता है, इन डीएनए को जोड़ देता है। लास्ट में एक और एंजाइम आता है लाइगेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग द ऑल फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। तो ये स्ट्रैंड कंप्लीट हो गया बनके और ये जो फाइनल डीएनए बना है कंटिन्यूस स्ट्रैंड, इसका ये जो लास्ट प्राइमर है ये निकालने का काम होता है एंजाइम का टीलोमरेज, टीलोमरेज। तो टीलोमरेज एंजाइम ये लास्ट का फ्रेगमेंट निकालती है और इसके जरिए बहुत सारे एडेनिन 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 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देती है, ठीक है। तो फाइनली हम देखते हैं या टीलोमियर सीक्वेंस ऐड करती है, जहां हम बोल सकते हैं यहाँ पे टीलोमियर सीक्वेंस ऐड करती है, टीलोमियर सीक्वेंस नंबर ऑफ रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एडेनिन एडेनिन भी हो सकता है, एडेनिन थायमिन भी हो सकता है, रिपीटेटिव वही वही दिखेगा लास्ट तक, ठीक है। तो बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो मोनोफॉस्फेट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के उसको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पे एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है प्रोकैरियोट में और बहुत सारी होती है यूकैरियोट में। फिर होता है डीएनए का अनवाइंडिंग, जिसमें एंजाइम का सीक्वेंस याद रखो, अगर सीक्वेंस एंजाइम का तुम याद रखोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना। तो सीक्वेंस में सबसे पहला है हेलिकेज, जो डीएनए को खोलता है जस्ट लाइक द जिप ऑफ अवर हुडी और स्वेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हेलिकेज जो है वो दैट इज अनवाइंडिंग करता है डीएनए की। दूसरा, अब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े ना करके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन नंबर टू पे आएगा, चलो मैं नंबर भी देता हूं, ये वन ये टू। तीसरा, टोपो आइसोमरेज या गायरेज जिसको बोलते हैं, ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को अवॉइड करता है, ठीक है। चौथा, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड में हम देखते हैं प्राइमेस, जो कि प्राइमर को ऐड करता है, आरएनए प्राइमर को लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पे, लीडिंग स्ट्रैंड पे एक ही प्राइमर लगता है थ्री प्राइम के अपोजिट और लैगिंग स्ट्रैंड पे बहुत सारे प्राइमर लगते हैं थ्री प्राइम के अपोजिट, ठीक है। फाइव प्राइम के अपोजिट प्राइमर नहीं लग सकता क्योंकि फाइव प्राइम के अपोजिट अगर लगेगा तो थ्री से फाइव उल्टा हो जाएगा, हमने बोला फाइव से थ्री होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं चौथे के बाद पांचवा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थ्री, ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है प्राइमर्स पे, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है और डीएनए का चेन जो है वो लॉन्ग होते जाता है, जिसमें ये पैरेंट डीएनए एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है, एज अ टेम्पलेट, मतलब इसमें एडेनिन है, इसमें एडेनिन है तो यहाँ पे अपोजिट में क्या आना चाहिए, थायमिन, इसमें ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन आना चाहिए, इसमें साइटोसिन है तो ग्वानिन आना चाहिए, मतलब ये एक टेम्पलेट के तरह एक्ट करता है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग नया डीएनए बनेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली फॉर्म होता है, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड यानी लैगिंग स्ट्रैंड थोड़ा 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 टुकड़ों में फॉर्म होता है, इन टुकड़ों को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में से आरएनए प्राइमर को निकालने का और उसके जगह न्यूक्लियोटाइड्स को डालने का, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन जिसमें एक चीज निकाल के दूसरी डाली जाती है, यानी आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जाता है, द रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर एंड एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज द वर्क विच इज कंप्लीटेड बाय डीएनए पॉलीमरेज वन, ठीक है। एंड फाइनली ऑल दैट स्ट्रैंड आर कनेक्टेड टुगेदर जॉइंट टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। तो ये हमारा फिफ्थ हो गया, फिफ्थ के बाद ये सिक्स्थ एंजाइम हो गया, ये सेवेंथ एंजाइम हो गया एंड फाइनली द टीलोमरेज इज द नाइन्थ एंजाइम, सॉरी एट्थ एंजाइम, ठीक है। तो टीलोमरेज क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड पे प्राइमर था उसको रिमूव करके वहां पे टिलोमियर ऐड कर देता है। टिलोमियर इज द सीक्वेंस ऑफ रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का एक रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, ठीक है। वही वही जैसे कि ए टी सी एक न्यूक्लियोटाइड तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है तो वही वही ऐड होगा बार बार, ए टी सी ए टी सी ए टी सी ए टी सी, तो उसको हम बोलते हैं टिलोमियर, देन सीक्वेंस ऑफ रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड।
तो फाइनली हमारे पास एक डीएनए के जगह अब दो डीएनए है, और दो डीएनए में देखो ये ब्लू स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड है, यहाँ पे भी ब्लू स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड है, और रेड स्ट्रैंड न्यूक्ली सिंथेसाइज है, रेड स्ट्रैंड न्यूक्ली सिंथेसाइज है। मतलब ये जो डीएनए हुआ ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हुआ। कैसे? इसमें 50% डीएनए पेरेंटल है, 50% न्यूली फॉर्म्ड है, 50% पेरेंटल है, 50% न्यूली फॉर्म्ड है। अब ये जो दो डीएनए की कॉपी है, एक कॉपी एक सेल में जाएगी और दूसरी कॉपी दूसरे सेल में जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेल डिवीजन के पहले डीएनए अपने आप की कॉपी सिक्रीट बनाता है, सिंथेसाइज करता है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट आपको समझा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जैसे ही मैं और वीडियो, ये जो ऐसे बना रहा हूँ अभी, और वीडियो बनाओ, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चाहते हो कि और भी ज्यादा चैनल ग्रो हो, और लोग आए हमसे जुड़े, हमारा चैनल बढ़े, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।